हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आम और कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप बताइएगा कि मेरे आम के अचार आपको कैसे लगा, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप आम का अचार और कटहल का अचार कैसे डालते हैं। आप सबने तरह तरह से देखा होगा कि आम और कटहल का अचार कैसे डालता है, पर मैं कैसे डालती हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आज का अचार कैसे, आम का अचार कैसे डलता है। देखिए गाइस, ये मैंने लिया है 4 किलो आम का अचार, जिसको मैंने काट करके और नमक हल्दी लगा करके जो है 2 दिन के लिए रख दिया था इसको, और फिर मैंने 1 दिन इसको धूप में सुखाया इसको, और आज मैं इसका अचार बनाना शुरू करती हूँ। और ये देखिए, मैंने ये लिया था 1 किलो कटहल, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, और इसको मैंने जो है बस एक सीटी आने से पहले इसको बंद कर दिया था, और फिर मैंने इसको जो है तेज़ धूप में 4-5 दिन तक सुखाया। इसको मैंने ढक के नहीं रखा, इसको मैंने पंखे के नीचे रखा है इसको। ये देखिए कैसा ये हो गया, बिल्कुल आवाज़ आ रही है इसमें खड़खड़ाने की। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे डालते हैं हम आम का अचार और कटहल का अचार। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसमें सबसे पहले डालती हूँ, मैं पहले सारे सूखे मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें हींग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं डालूँगी इसमें हींग जो है हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर मैं इसमें डालूँगी कलौंजी, देखिए मैंने इसमें 2 चमचे से थोड़े से कम जो है वो डाली है कलौंजी मैंने इसमें। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी मेथी और सौंफ का, मैंने ये जो है थोड़ा सा ड्राई करके भून करके इसको और दरदरा पीस लिया था, वो मैं इसमें ये सारा मिक्स कर दूंगी, कम से कम 2 चमचे के आसपास है। इसको मैं मिक्स कर दूंगी, इसको मैं डाल देती हूँ, और इसके बाद मैं डालूंगी ये मेरे पास सौंफ पाउडर है, इसको भी मैं 2 चमचे मिला दूँगी। इसे वो क्या है, जो मसाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, अच्छे से इस पर सब मिक्स हो जाता है, चिपक जाता है इस पर अच्छा सब अचार पे। और अब मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास थोड़ी सी ही कश्मीरी मिर्च है, और जो है मैं थोड़ी सी इसको 1 चम्मच जो इससे रंग बहुत सुंदर आता है अचार का, 1 चम्मच जो है मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। और डालूँगी मैं अब इसमें 2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें पीसी लाल मिर्च, ये मैं घर पे खुद पीसती हूँ, मैं बाज़ार से मसाले नहीं लेना पसंद करती हूँ क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने डाल दिया इसमें, मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें हल्दी पहले से ही डाल रखी थी। अब मैं इसमें मिलाऊंगी नमक, क्योंकि नमक भी गाइस हमने फ्रेंड्स हमने पहले ही मिला रखा था, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, 2 चमचे के आसपास नमक डालूंगी मैं इसमें। ये मैं टाटा साल्ट डाल रही हूँ इसमें, और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ये कटहल, देखिए मैंने सारा मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से, ये मैंने 250 ग्राम सरसों का तेल अच्छे से गरम करके पका के ठंडा कर रखा है इसको, और मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर देती हूँ। इसको स्पैचुला से अच्छे से इसमें देखिए, अब मैं इसको जो है इसको चला देती हूँ, देखिए दूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अचार डाल दिया है, अब मैं इसको जो है कल आपको भर के दिखाऊंगी मर्तबान में, क्योंकि अभी मैंने इसमें सब मसाले डाले हैं, तो थोड़ा सा ये मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएंगे, और कल फिर मैं इसमें तेल कम पड़ेगा तो उसमें तेल गरम करके फिर से डालूंगी, और मैं इसको फिर आपको मर्तबान में भर के दिखाऊंगी कि ये अचार कैसे डलता है। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज मैं इसको जो मैंने कल कटहल और आम का अचार डाला था, आज इसको हम उसको भरते हैं, क्योंकि हमने कल इसको इसलिए नहीं भरा था तुरंत, क्योंकि अचार थोड़ा सा और थोड़ा सा उसमें हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से, इसमें मसाले मिक्स हो जाए, तो इसको आज मैं इसमें थोड़ा सा चलाती हूँ। और मैंने जो है तेल इस बॉटल में पका करके भर रखा है, तेल कम पड़ेगा तो हम इसमें से ऊपर से हम तेल डाल देंगे। और अब मैं इसमें थोड़े से जो है आपको दिखाती हूँ, ये जो है मैंने थोड़े से चने जो है धो करके, देखिए
चने जो धोकर के मैंने और हल्का सा तुरंत धोकर के तुरंत इसको रात भर सुखा दिया था, अब मैं चनों को भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, तो ये चने भी इसमें गल जाएंगे। बाद में जब चने फूल जाते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसको जार में भर दूँगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो कर दिया मैंने। अब मैं इसको भरना शुरू करती हूँ इस जार को। इस जार में हम ये जार मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, आप इसे अमेज़न फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। और अब मैं इसको भर देती हूँ सारा जार। और इसको हम धीरे धीरे स्पैचुला की उससे जो है हम दबाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम स्टील का चमचा डालेंगे तो डर रहता है कि कहीं इसमें लग ना जाए और कुछ इसमें खटर पटर ना हो जाए। तो इससे जो है मैं दबाती जाऊंगी और अचार जो है पूरा इसमें मैं भर दूंगी अच्छी तरीके से। सारा अचार भर दिया है अच्छे से। अब मैं इसमें जो है तेल मैंने पका के बॉटल में भर रखा था ठंडा करके, अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि बिगर जो है तेल के अचार जो है गलेगा नहीं और ना भी जो हमारा कटहल और जो चने जो हमने डाले काले चने वो भी नहीं अच्छे से गलेंगे। तो बीच बीच में इसको 6-7 दिन के बाद हम अचार देखेंगे और उसको अंदर दबाते जाएंगे, क्योंकि जैसे मसाले और नमक पड़ जाते हैं तो अचार अंदर से और कम होता चला जाता है और ये अच्छे से दब जाएगा। मैंने इसमें डाल दिया है अचार में तेल और ये हो गया मेरा अचार बनके तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा तेल और डाल दे रही हूँ इसमें, अच्छे से हो जाएगा इसमें देखिए। और ये मेरा आम कटहल का अचार जो है
तैयार हो गया। इसको महीने बाद, एक महीने बाद हम इसको, क्योंकि चने फूलने में बहुत टाइम लगता है, तो एक महीने बाद हम अब इस अचार को आराम से, एक डेढ़ महीने बाद आराम से खा सकते हैं। आम तो अगर आम का अचार तो जल्दी गल जाता है, पर कटहल और चने को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। बस तो फ्रेंड्स, आप ये जो मैंने अचार डाला है, आप इसे डालिए और फिर डाल के खा के बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको मेरा अचार पसंद आया तो आप बताइएगा, और कमेंट्स सेक्शन में मुझको बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आप कैसे डालते हैं, वो भी मुझे बताइए। मैं भी आपके वाला अचार डाल करके देखूंगी और बताऊंगी कि मुझे कैसे लगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।